भी हम फिलिंग वाला पराठा बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फिलिंग बाहर निकल जाती है, पराठा अच्छे से फूलता नहीं है, बेलते वक्त पराठा टूट जाता है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम पराठे को कुछ डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे और वो बहुत ही आसान होगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आटा गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, जो बारीक वाला आता है वो, जो जिससे हम रोटी बनाते हैं वही लेना है। और अब उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे सॉल्ट, 2 से 3 चम्मच ऑयल, थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथों से मसल के लेना है। और अब लास्ट में मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटा गूंथ लेंगे। हमारा आटा बहुत ही हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ही सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा सा मीडियम गूंथना है। जैसे हम पराठे का आटा गूंथते हैं वैसा ही हम गूंथेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा एकदम रेडी है गूंथ के। अब इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं स्वीट कॉर्न, उनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है। कुकर में अगर आप बॉईल कर रहे हो तो 1-2 सीटी में अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, अगर आप कोई बर्तन में कर रहे हो तो उसको 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो अब स्वीट कॉर्न को हम क्रश कर लेंगे, आप मिक्सर जार का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे चॉपर लिया है। तो अब उसको चॉप कर लेंगे, तो ये देख सकते हो आप, हमें इतना ही बारीक उसको चॉप करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। और अब एक पैन लेंगे, उसमें लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर उसके अंदर डालेंगे जीरा, जीरा थोड़ा सा भून जाए फिर उसके अंदर डालना है अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना पेस्ट लिया है, और उसको भून लेंगे। और अब एक छोटी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और उसको मिक्स करके उसके अंदर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने गाजर, कैप्सिकम और प्याज लिए हैं, उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब उसको भी थोड़ा सा भून लेना है। और अब लास्ट में ऐड करेंगे ये हमने जो क्रश करके रखे थे स्वीट कॉर्न, वो उसमें ऐड कर देंगे और उसके ऊपर से डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, धनिया पाउडर और नींबू। हमें यहाँ पे और कोई मसाले ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जितना माइल्ड होगा उतना ही अच्छा लगेगा, तो हम इसको एकदम सिंपल ही बनाएंगे। और ये सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और अब उसको ढक के 5 से 10 मिनट हम पकने के लिए छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम पे। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे सारे वेजिटेबल्स अच्छे से पक चुके हैं। तो अब उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया। तो ये हमारा फिलिंग एकदम रेडी है। फिलिंग को एकदम ठंडा करना है तो हम उसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब ये जो हमने आटा गूंथा था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब 1 चम्मच ऑयल डाल के आटे को बराबर मसल लेना है ताकि वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और हमारे पराठे भी एकदम सॉफ्ट एंड परफेक्ट बने। और अब एक आटे की लोई लेंगे और उसको बेल लेंगे। तो उसको थोड़ा सा पतला बेलेंगे हम, बहुत मोटा नहीं रखेंगे, तो पतला पतला बेल लेना है। और उसके ऊपर लगाएंगे घी, घी को हम अच्छे से पूरे पराठे में स्प्रेड कर देंगे। और अब ये जो हमने फिलिंग बनाया था वो एकदम ठंडा हो चुका है, गरम फिलिंग नहीं लेना है वरना हमारा पराठा फट सकता है, तो एकदम ठंडा करके ले। और उसको मैंने ट्रायंगल शेप में उसको फैला लिया है पराठे के ऊपर, तो ये देखिए ऐसे उंगली से उसको ट्रायंगल शेप दे देना है। और अब पानी लेंगे और अपनी उंगलियों से पराठे की बॉर्डर पे हम पानी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। और अब पराठे को फोल्ड कर देना है, तो पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। और अब नीचे से, तो तीनों तरफ से हम उसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे और हाथों से थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब पराठे को पलट लेना है और पीछे भी थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी कलौंजी लगा दी है, पानी लगाने से कलौंजी एकदम अच्छे से चिपक जाएगी पराठे से और निकलेगी नहीं। और उसको भी हाथों से थोड़ा सा टैप करके अच्छे से चिपका देंगे। तो ये हमारा पराठा एकदम रेडी है, अब उसको सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक तवा, उसको गर्म करने के लिए रख दिया था पहले ही। अब उसके ऊपर लगाया थोड़ा सा घी और पराठे को रख देना है एकदम आराम से और एकदम लो फ्लेम पे पराठे को पकने देना है एक साइड से। तो यहाँ पे हमारा पराठा एक साइड से पक चुका है, 2 से 3 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। और अब हम पराठे को पलट देंगे और पलट के भी उसको 2 से 3 मिनट हम पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा पराठा दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा पक गया है। और अब हम लगाएंगे घी,
आप यहाँ पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब गीला करने के बाद उसको थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम अच्छे से सेक लेंगे। दोनों तरफ से घी लगाते हुए उसको बराबर सेक लेना है। तो ये देखिए हमारा पराठा सेक के एकदम रेडी है। बहुत ही आसान तरीके से पराठा हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी फीलिंग बाहर नहीं आई है और टेस्ट में भी बहुत मस्त लगता है, तो घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो आपको ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।